हेलो एवरीवन, ये बीएड फर्स्ट सेम दे कुछ क्वेश्चन पेपर ने मैं काफ़ी टाइम तो देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैथ ते साइंस ना संबंधित जेडे क्वेश्चन पेपर दी मंग कर रहे थे। तो कुछ जेडे क्वेश्चन पेपर ने जो मैं थोड़े तो जो प्रोवाइड करवा जा रही हाँ, तो सब तो पहला आप गल करते हैं मैथमैटिक्स की। ये मैथमैटिक्स का क्वेश्चन पेपर है मैथ का, तो तुसी इंदा जेड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट यूनिट, उस तो बाद ये फर्स्ट यूनिट दे क्वेश्चन ने जो पूछे गए ने एग्जाम दे विच मैथ दे। उस तो बाद सेकंड यूनिट दे क्वेश्चन पूछे गए ने तुहाडे कोल। उस तो बाद ये थर्ड यूनिट दे आ ते फोर्थ यूनिट दे ने जो तुहानू एग्जाम दे विच पूछे जा चुके ने, जो पुराने जेडे बच्चे से जेडे पास आउट हो चुके ने उन्होंने क्वेश्चन पेपर ने, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो फोर तुम्हारे लिए करने जरूरी होंगे ने एग्जाम दे विच। ये सारे जिन्हें भी क्वेश्चन अठ अठ मार्क्स के होंगे ने, लॉन्ग दे विच तुहानू ऑप्शन होंगी है दो दे विचों, तुसी कोई भी एक करना होंगे हरेक यूनिट दे विच, बट जो यूनिट फिफ्थ है उनके तो सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तुहाडे लिए जरूरी होंगे ने, कोई भी ऑप्शन तुहानू नहीं मिलती। हिंदी दे विच भी ये तुहानू मिल सकते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी दे विच है। इन्दे विच फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन ने लोंग, सैकेंड उस तो बाद इन्ना ही है क्वेश्चन पेपर हिंदी दे विच। सारा तुहानू इंग्लिश दे विच ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि है नहीं उस तो अगे। तो उस तो अगला जो क्वेश्चन पेपर है वह हैगा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इन दे विच जो फर्स्ट यूनिट है ये लॉन्ग क्वेश्चन ने, उस तो बाद सैकेंड यूनिट तुसी नाल नाल इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सैकेंड यूनिट है। उस तो बाद ये थर्ड ते फोर्थ यूनिट है। उस तो बाद इनके शॉर्ट क्वेश्चन है, पैटर्न मैं तुम्हें पहले ही दस चुकी हाँ एग्जाम का कि लोंग दे विच तुहानू ऑप्शन होंगी है दोवां दे विच तुसी एक करना होंदा, पर शॉर्ट तुसी सारे ही करने होंदे ने। 75 वर्ड्स दे विच इहनू लिखना होंदा शॉर्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने आंसर नू। उस तो बाद हिंदी दे विच है जो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का हिंदी दे विच है, इन्दे च फर्स्ट यूनिट है। उस तो अगे सैकेंड यूनिट दे क्वेश्चन है। उस तो बाद थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। उस तो बाद तुहाडे आ जांदे आ जी शॉर्ट क्वेश्चनस। उस तो बाद पंजाबी मीडियम दे विच भी है फिलोसफिकल बेसिस का, ये फर्स्ट यूनिट है। उस तो अगे सैकेंड यूनिट है राजे। उस तो अगे थर्ड यूनिट, स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ तुसी नाल दी नाल। ये है फोर्थ यूनिट ते उस तो बाद है गे इंदे शॉर्ट क्वेश्चनस फिलोसफिकल बेसिस ते। हुण ये आ गया जी थर्ड तुहाडा क्वेश्चन पेपर, ये हैगा साइंस दे बच्चों के लिए, जो साइंस जिन्हां दे कोल जिहड़ा सब्जेक्ट हैगा है। साइंस के बच्चे भी डिमांड कर रहे इस मेरे को क्वेश्चन पेपर की, तो वह भी स्क्रीनशॉट ले सकते ने। पैटर्न सेम ही है सब का। ये आ गया जी थोड़े तो फर्स्ट यूनिट दे लॉन्ग क्वेश्चन, इन एक टोटल मार्क्स 8 का होंगे, इन्होंने 3+5 लिखा हुआ है। जो फर्स्ट है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइंस, ये 3 नंबर का होगा। हाउ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इनफ्लुएंस्ड द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, ये वाला तुहाडा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये वन दिता उन्होंने मार्क्स में, तो जो तुम जो क्वेश्चन पूछा गया तुम उस हिसाब के नाल आपका आंसर दो, तो मार्क्स किन्ने ने किन्ने नंबर का ये उनका भी ध्यान रखो। उस तो अगे है सैकेंड यूनिट, सैकेंड यूनिट के भी तुम 2+2+4, तो इन 3 जिहड़ियां गल्लां तुहाडे तों पुछियां गईयां ने सैकेंड यूनिट दे विच। पहले तो प्रोजैक्ट का मीनिंग पूछा गया तुहानू, उस तो बाद फिर अगों
प्रोजेक्ट मैथड पूछा गया है ना यूजफुल इन टीचिंग ऑफ साइंस दे विच। उस तो अगे डिस्क्राइब द मैथड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम हाई स्कूल साइंस टॉपिक, तो ही 4 मार्क्स का होएगा, बाकी दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे, तो तुम आपका आंसर भी इस तरीके दे नाल ही लिखना होगा। तो जो भी तुसी अपना जो क्वेश्चन है उन्हों दा आंसर लिखना उन्हों पूरा पूरे ध्यान दे नाल लिखना। ये 3rd यूनिट आ गया जी साइंस के बच्चों के लिए। उस तो अगे ये 4th क्वेश्चन है, 4th यूनिट है, तो इन जो 2 क्वेश्चन है एक ही तुसी करना होंगे, जो थोड़े कोल ऑप्शन होंगे लॉन्ग दे विच कोई भी तुसी एक कर सकते हो, इन बट जो शॉर्ट होंगे वो तुसी सारे करने, ये सारे 2-2 मार्क्स के ने, टोटल 8 बन गए। तो तुसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उस तो बाद हिंदी मीडियम दे विच भी है साइंस का ही क्वेश्चन पेपर, ये 1st यूनिट है जी, ये 2nd यूनिट है, ये 3rd यूनिट है, ये 4th यूनिट है। उस तो बाद उस तो अगे इन्दे शॉर्ट क्वेश्चन है। उस तो अगे पंजाबी दे विच भी है जी, ये तुहानू स्क्रीन थोड़ी जी वड्डी कर देनी है। हाँ जी, ये पंजाबी मीडियम दे विच आ गया 1st यूनिट, ठीक है, बस ये इन्ना ही सीगा। उस तो अगला जेड़ा क्वेश्चन पेपर आ गया ICT स्किल डिवेलपमेंट दा, इहदे विच 1st यूनिट आ गया कंप्यूटर दा हुंदा है तुहाडा पेपर 1st यूनिट जी, 2nd यूनिट ये सारे 8-8 मार्क्स दे आ, ये 3rd यूनिट, 3rd यूनिट ये पूरा आ गया 6 तक। उस तो अगे 4th यूनिट ये तुहाडा, तो उस तो बाद तुहाडे शॉर्ट क्वेश्चन, उस बाद यही तुहाडा हिंदी मीडियम दे विच भी है जी 1st यूनिट, उस तो अगे जी तुहाडा 2nd यूनिट, उस तो अगे जी तुहाडा 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट, 4th यूनिट तो अगे जी तुहाडे जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन। उस बार पंजाबी मीडियम दे विच तुहानू कंप्यूटर दा ICT स्किल डिवेलपमेंट वाला क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ये है जी पंजाबी दे विच। उस तो अगे 1st यूनिट सी है, ये 2nd है जी, ये 3rd है जी, 3rd तो अगे जी तुहाडा आ जांदा जी ये 4th है, तो ये वाला जिहड़ा तुहाडा 5th शॉर्ट क्वेश्चन है। उस तो अगे गल करदे जी अगले क्वेश्चन पेपर की, एजुकेशन इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, ये सारे दे कंपलसरी हुंदा सारे स्टूडेंट्स के लिए, पैटर्न सब दा सेम ही है जी, सारा 40 मार्क्स के होंगे, तुहाडे जिन्ने भी एग्जाम होंगे आ बी एड 1st सैम दे विच सारे 40 मार्क्स के ने, 8-8 मार्क्स के तुहाडा तुहाडे जिहड़े सारा यूनिट होंगे ने। ये आ गया जी एजुकेशन कंटेम्परेरी इंडिया 1st यूनिट है, इहदा उस तो अगे जी इहदा 2nd यूनिट है, 2nd यूनिट के अगो जी ए वाला इहदा 3rd यूनिट आ गया जी, देखो तुसी साइड ते, उस तो अगे 4th यूनिट है, तो उस तो अगे 5th यूनिट है, तो ये सारा जिहड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आ गया अगो 1st यूनिट, तो उस तो अगे आ देखो नाल इधर आ गया 2nd यूनिट, एक क्वेश्चन 3rd नीचे आ गया एंड 4th उपर चला गया ये वाला, एंड 3rd यूनिट आ गया उस तो बाद, उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा 4th यूनिट आ गया, तो 5th आ गया। उस तो बाद पंजाबी मीडियम के बच्चों के लिए ये 2 जिहड़े 1st यूनिट है, तो उस तो बाद इन्ना ही सी तुहाडा क्वेश्चन पेपर। तो जिन्ना भी तुहानू एग्जाम दे विच पुछया जांदा है आंसर, तो तुसी उन्ना ही आंसर लिखो, उन्दे ते फोकस करके लिखो जिस तरीके का तुहानू क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला ही जो तुसी अपना जिहड़ा एग्जाम लिखना है आंसर लिखना शुरू कर दियो, तो इंपॉर्टेंट गल्लां लिखो, तो पहला ही अपने पेज में जिहड़ा वंड लो कि इन्ने पेज के इन्ने टाइम के आंसर पूरा हो जाए। यह ना हो कि तुसी एक क्वेश्चन ही दा आंसर ही पूरा करते रहो, तो बाकी क्वेश्चन दे आंसर देने दे लई पेज ही ना बचन, जां उन्ना टाइम ही तुहाडे करना होवे, इस करके टाइम नूं भी तुसी वंड लो,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਲੋਸਫਿਕਲ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੀ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਜੀ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਿਫਥ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ